भगवानपुरा कांग्रेस के पूर्व विधायक विजय सिंह सोलंकी के भाजपा में शामिल होने के बाद से गांव प्रथम आगमन पर ग्राम पंचायत भवन में भाजपा नेताओं ने आतिशबाजी और ढोल ताशे से स्वागत किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर उत्तम पाटीदार, हिलाल पाटीदार, गणपत गोखले, हरिओम यादव सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सोलंकी के साथ सिंधिया फैंस क्लब के जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। स्वागत समारोह के बाद भाजपा नेताओं सहित सोलंकी ने देवी श्री लालबाई फुलवा माता जी मंदिर पहुंचे और दर्शन किया। से गांव में संजय जैसल की रिपोर्ट। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आयो, किस विचारधारा से आयो? ये तो कांग्रेस छोड़ के जो बीजेपी में आए, विचारधारा मेरे स्वयं की है, पर मेरे को बीजेपी में आने से बहुत अच्छा लगा और बीजेपी की नीति और रणनीति के कारण मैं बीजेपी में आया। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी अपनी? बस जो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने आज मेरा सम्मान किया, मैं कार्यकर्ताओं के साथ में बीजेपी परिवार के साथ में जो को मेरे को मार्गदर्शन देंगे वो काम करूँ और आगे बढ़ता रहूँगा। आज भारतीय जनता मंडल सेगांव में आपका प्रस्थान हुआ, किस प्रकार स्वागत हुआ आपका? आज सेगांव के अंदर जो मेरे को सम्मान मिला, इसी प्रकार जो सम्मान मिला मेरे कहना है, जो सम्मान मिला और सब कार्यकर्ता सम्मान का, मैं उसी प्रकार से उनके साथ में रहूंगा और कर्मठ होकर काम करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। और मेरी एक ही मांग थी, जब मैंने बीजेपी ज्वाइन करी थी, सीएम साहब से बात करी थी, भाई जो मेरा काम अधूरा है और जो मेरा सपना था, मेरे को टिकट से मतलब नहीं, कुछ नहीं, पर मैं मेरे कार्यकर्ता को और मेरे क्षेत्र में जो काम अधूरे थे वो पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। किसी का नाम नहीं पहचानता हूँ, जितना भी कार्यकर्ता है और जिस परिवार से जुड़े हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ और आज ये जो हमारा स्वागत करें, इसी तरह से हम आपका परिवार के साथ में रहूँगा और हर काम करूँगा, क्योंकि आप जो टीम मिली है, जो पहले विधायक तो उसकी भी आलोचना करते जो भी, तो पर काम करना आप जो मजा आप जो पहले नहीं आए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।